नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट की इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज है उसकी खबर हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 189 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको ना तो कोई एप्लीकेशन फीस देनी है, ना कोई एग्जामिनेशन देना है। डायरेक्टली SSB इंटरव्यू के जरिए आप इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, पूरा ध्यान से देखें, ताकि छोटी मोटी किसी गलती के कारण आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन खारिज ना हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है या तो वो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के छात्र है। इस दोनों ही केस में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन होने के बाद में आपका 49 वीक्स का ट्रेनिंग होगा OTA चेन्नई में, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको शादी करने की इजाज़त नहीं होगी। और जो नेक्स्ट चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, और यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद में आपका जो इनिशियल बॉन्ड है वो 10 इयर्स का रहेगा, और 10 इयर्स के बाद में बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसीज की, जो मेन के लिए 75 वैकेंसीज है और वुमेन के लिए 14 वैकेंसीज है। कुल मिला के टोटल 189 वैकेंसीज है। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले जो मेन के लिए जो वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं सिविल की 49 वैकेंसीज है, आर्किटेक्ट की 1, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी 1, मैकेनिकल का 15, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 16, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के 47, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 21, इलेक्ट्रॉनिक्स के 3, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव के 3, एरोनॉटिकल्स के 5 वैकेंसीज है, एवियोनिक्स की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसीज है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसीज है, टेक्सटाइल की 1 और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की 1। इस तरह से कुल मिला के 175 वैकेंसीज है। SSC वुमन की वैकेंसीज है वो सिविल में 3 है, आर्किटेक्ट की 1 है, मैकेनिकल की 1, 2 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 2, कंप्यूटर साइंस की 4 और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 1। इस तरह से कुल मिला के 14 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन के जरिए इन जो वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट आपकी 20 से लेके 27 इयर्स के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1st April 2021। अगर आप स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2nd April 1994 से लेके 1st April 2001 के बीच में होने चाहिए, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जो इंजीनियरिंग है वो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जरिए अप्रूव्ड होना चाहिए। और दूसरा केस, यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1st April 2021 से पहले पहले आपको आपका जो इंजीनियरिंग कंप्लीशन का प्रूफ सबमिट करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले तो जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे होंगे उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन कट ऑफ। उसके बाद में SSB होगा, SSB में स्टेज 1 और स्टेज 2 होगा। जो लोग स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे वही लोग स्टेज 2 दे पाएंगे, और जो लोग स्टेज 1 में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे वो पहले ही दिन SSB से बाहर हो जाएंगे। अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई होंगे उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और बेस्ड ऑन दिस मेरिट लिस्ट आपका सिलेक्शन होगा।
दोस्तों एसएसबी लोकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे चार जगह का उन्होंने नाम दिया है, अलाहाबाद यूपी, भोपाल एमपी, बेंगलुरु कर्नाटका और कपूरथला पंजाब। इसमें से किसी एक एसएसबी सेंटर में आपका एसएसबी हो सकता है। और अगर एसएसबी के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो एसएसबी इंटरव्यू द कंप्लीट गाइड बाय कमांडर एन के नटराजन की द्वारा ये बुक लिखी गई है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें रेडी रखनी होगी। सबसे पहले तो आपका एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर और आपका 10th का मार्क्स कार्ड। ये तीन चीज़ें आपको स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में रखनी है। आपके फ़ोटो का साइज़ होगा 5KB to 20KB, आपके सिग्नेचर का साइज़ होगा 5KB to 10KB और आपके जो 10th मार्क्स शीट का साइज़ होगा अप टू 200KB, 200KB से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें आपको JPG फॉर्मेट में स्कैन करके रखनी है। केवल और केवल ये तीन ही चीज़ आपको डिजिटल फॉर्मेट में रखनी है। उसके अलावा आपके पास में आपका 12th का मार्क्स कार्ड होना चाहिए, इंजीनियरिंग के आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स कार्ड होने चाहिए, आपका इंजीनियरिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपके पास में रखनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाएगा 14 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर 2020 तक। 12 नवंबर 2020 को 3 बजे दोपहर में ये विंडो क्लोज हो जाएगा। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑफिसर एंट्री अप्लाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे ऑफिसर एंट्री के लिए रजिस्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपके डिटेल्स एंटर करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और इस यहाँ पे सेम पेज पे आके आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि ये जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वो दिन में बिल्कुल स्लो काम करती है। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ना के बराबर काम करती है, बिल्कुल स्लो रहती है, बिल्कुल इसमें आप अप्लाई करने में बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आप मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग अगर 5 to 8 का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे अगर आप इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी वैकेंसी है, हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो दोस्तों अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।